बिहार सरकार में पशुपालन विभाग के मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि विधान परिषद के छोटे कार्यकाल को लेकर मुकेश सहनी भाजपा से नाराज बताए जा रहे थे। दरअसल वो जिस सीट से विधान परिषद भेजे जा रहे हैं उसका कार्यकाल छोटा है और वो 6 साल वाली सीट से जाना चाहते थे। बताया जा रहा है कि अमित शाह का फोन आते ही उनके तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने अब अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट लिखकर गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। भाजपा ने इससे पहले बीजेपी के शाहनवाज हुसैन को भी विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी ने फेसबुक पर अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे के लिए धन्यवाद। उन्होंने अभी फोन पर मुझे विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। मुकेश सहनी ने आगे लिखा है कि मुझे इस योग्य समझने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए के सभी नेताओं को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दरअसल भाजपा कोटे की खाली हुई 2 सीटों में से एक पर पार्टी ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी। शाहनवाज का कार्यकाल पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से खाली हुई सीट के अनुसार 6 मई 2024 तक का होगा। ऐसी जानकारी मिली है कि शाहनवाज के सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेताओं के मुताबिक उन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 11 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 18 जनवरी तक का समय है, जबकि 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।